44 रथ यात्रा के नजदीक है। जिसी प्रकार आज अहमदाबाद के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा का जो जलाभिषेक हुआ है, उसके अंदर गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल और दिलीप दाजी महाराज, जो हाल ही में अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में जो जलाभिषेक आप लाइव फुटेज देख सकते हैं कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि आपको लाइव फुटेज बताएं कि किस प्रकार से अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के अंदर जलाभिषेक हो रहा है और मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी और दिलीप दाजी महाराज और कई लोग उपस्थित रहे। देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की जो 144वीं रथ यात्रा है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी तरह से जो ये जलाभिषेक किया जा रहा है, कोविड की गाइड का पालन करते हुए जलाभिषेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन से मैं बताना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना की पूरी गाइडलाइन का फॉलोअप करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का जलाभिषेक हुआ है। और हाल ही में मंदिर से लाइव एग्जीक्यूटिव आप दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिलीप दास जी महंत दिलीप दास जी महाराज हैं, उनके द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है और प्रमुखगण ट्रस्टी जी हैं, उनके द्वारा जलाभिषेक हो रहा है। कैमरामैन राम मरण के साथ अरुण कुमार वर्मा, सावधान में अनुज, अहमदाबाद। આ જલયાત્રામાં વિશેષમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી
ભાઈ પધાર્યા અને માનનીય શ્રી પ્રદીપસિંહજી પણ પધાર્યા અને સોનામાં સુધારે સમયમાં ભગવાનના દર્શન થયા છે અને જળયાત્રા મહોત્સવ સંપન્ન થયો છે. રથયાત્રા માટે જેવી રીતે કે સંજોગ ને સમય ને જોઈ અને સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અને એ સમય પર જે હશે ત્યારે આપણે ભગવાનની યાત્રાનું પણ